फक 7:30 निकल गया, 10:30 बज गए यार, 7:30 बजे पहला मील खाना था। शिट यार, अब कल से ही डाइट स्टार्ट करनी पड़ेगी, आज का दिन भी वेस्ट हो गया। शिट मैन, यार ये कोई मतलब नहीं होता, मम्मी ने 7 बजे जगा दिए, अब मैं अपने काब्स नहीं खा सकता, मेरा एक मील बचा हुआ था काब्स का, क्या करूं मैं, इतना मन कर रहा है मेरा काब्स खाने का, क्या करूं मैं नहीं कर सकता ये डाइटिंग वाइटिंग। खोलो स्विगी, मैं मंगा रहा हूँ अपना, जो भी मेरे को मंगाना पहाड़ में जाए दुनिया। गाइज वेलकम टू द चैनल येट अगेन। तो आज ये वीडियो मैंने सोचा कि मैं चलते फिरते बना ही डालूं। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं 1.5 से 2 साल पहले, बट मैं कुछ पॉइंट्स और ऐड करना चाहता था और आप लोगों से जो मेरी नई ऑडियंस है कनेक्ट करना चाहता था, क्योंकि वो वीडियो पुरानी हो चुकी है। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है मील टाइमिंग। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हम एक फैट लॉस फेज पे हैं या फिर हम मसल बिल्डिंग फेज पे हैं या फिर हम किसी भी फेज पे हैं तो मील टाइमिंग क्या होनी चाहिए। मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने अपने प्लान में मील का टाइम क्यों नहीं मेंशन करते एज़ कम्पेयर टू अदर डाइटिशियंस। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ क्योंकि मील टाइमिंग जो है, अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट नहीं हो और रिकवरी आपकी प्रेफरेंस नहीं है, कि फॉर एग्जांपल एक एथलीट को कंसिडर करते हैं, आई हैव क्लाइंट्स हुआ स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर्स, फुटबॉलर्स, तो उनके साथ होता क्या है, उनकी प्रैक्टिस शेड्यूल्ड होती हैं, लाइक सुबह उनकी ट्रेनिंग होती है 3 घंटे की, लाइक आई हैव अ क्लाइंट हु इज़ अ टेनिस प्लेयर एज वेल, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है एंड आई टेक केयर ऑफ हिज न्यूट्रिशन, सो आई वोंट डिस्क्लोज द नेम ओवर हियर, बट द पॉइंट इज कि उनको मील टाइमिंग का बहुत सख्त ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि सुबह उनकी 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस होती है, उसके बाद उन्हें अपनी ट्रेनिंग भी करनी होती है टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस फर्दर। कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर आप एक टेनिस प्लेयर हो तो आपकी ट्रेनिंग उस हिसाब से वेट ट्रेनिंग जो है वो शेड्यूल्ड होगी, अगर आप एक क्रिकेटर हो तो आप वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हो, सो ऑल इन ऑल दैट वुड बी टारगेटेड टुवर्ड्स इंप्रूविंग योर परफॉर्मेंस। तो इसीलिए वहाँ पर न्यूट्रिशन भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि भाई हमें मील टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइम पर कितने कार्ब्स, कितनी कैलोरीज खानी है, सो दैट वी कैन बूस्ट परफॉर्मेंस एंड बूस्ट आर रिकवरी। कि अगर हमने सुबह 3 घंटे का सेशन लगाया था तो हम शाम के लिए जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं और हम उसको भी एग्जीक्यूट करें, सो दैट वी कैन जस्ट चेज आर टारगेट विच इज विनिंग द ट्रॉफी। क्योंकि उनका एक टारगेट होता है, मेड बी बॉडी बिल्डर्स एज वेल, उनको स्टेज पे जाकर ट्रॉफी जीतनी होती है, तो उसके लिए उनके पास टाइम बाउंडेशन होती है एंड इसीलिए उनको एक दिन में एक से ज़्यादा सेशन लगाना पड़ता है और उसके लिए उन्हें मील टाइमिंग का सख्त ध्यान देना ज़रूरी है। दूसरा जो केस है जहाँ पे आपको मील टाइमिंग का ध्यान देने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो है कि अगर आप एक मॉडल हो और आपके आए दिन शूट्स होते हैं शर्टलेस एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू गेट ब्लोटेड, तो आपको अपनी डाइजेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अगर आप अपनी मील टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते तो हो सकता है आपने शूट से एक रात पहले कुछ ऐसा खा लिया जिसकी वजह से अगले दिन आपको पॉटी ढंग से नहीं आई या फिर आप वाटर रिटेन कर गए, जिसकी वजह से आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो गया फोटोशूट का या वीडियो शूट का। इसीलिए बट कंसिडरिंग द 90% ऑफ द ऑडियंस जो एक हेल्दी पॉपुलेशन मानी जाती है, जिनका कोई प्रोफेशनल गोल नहीं है पर उन्हें हेल्थ चेज करनी है एंड दे नीड टू बी लुकिंग प्लीजिंग, सो इसीलिए उनके केस में मील टाइमिंग डज नॉट मैटर। क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर आप ब्लोट भी हो गए, आपने रात को कुछ ऐसा खा लिया कि अगले दिन वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो उस दिन आपका कोई शूट नहीं है एंड जहाँ तक बात है फैट लॉस की, वो अफेक्ट होगा ही नहीं मील टाइमिंग से, मार्क माय वर्ड्स। अगर आप एक दिन ब्लोटेड भी हो, अगले दिन आपका ब्लोट चला जाएगा एंड यू विल सी कि आपका स्केल भी नीचे आ गया। तो इसलिए वाटर रिटेंशन इज़ टेम्परेरी। अगर आपको वाटर रिटेंशन से बचना है ऑब्वियसली, तो आपको एक ही पूरे रूटीन पर रहना पड़ेगा, जब से आप सुबह से उठे हो और फिर आप रात को बेड में जा रहे हो तो तब से लेकर तब तक आपको एक पेशेंट की तरह जीना पड़ेगा कि ओ आई ईट दिस मील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई ईट दिस मील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मैंने इस टाइम पे नहीं खाया तो मेरा स्टमक HCL जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा और आई विल गेट ब्लोटेड। आई डोंट लिव दैट वे। कंसिडरिंग मी, मैं एक जनरल हेल्दी अडल्ट हूँ, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एथलीट, तो इसलिए जब मेरे शूट्स लाइंड अप होते हैं तब मैं अपनी मील टाइमिंग का खासकर ध्यान रखता हूँ। सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का टाइम होता है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट केयर अबाउट माई मील टाइमिंग, आई लिव अकॉर्डिंग टू माई मूड, अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेज। सो इसलिए डज मील टाइमिंग मैटर? येस इफ यू आर अ प्रोफेशनल एथलीट, नो इफ यू आर जनरली एमिंग टू लूज फैट और एमिंग टू बिल्ड सम क्वालिटी मसल। Mark my words, meal timing does not matter for you. So इसीलिए अगर कोई प्रोफेशनल है, दोबारा बोल रहा हूँ, आपको मील टाइमिंग का सख्त ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आपको अपनी रिकवरी और परफॉर्मेंस को इन्हांस करना है। अगर आप एक जनरल बंदे भी हो और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे फिर भी अपनी रिकवरी इन्हांस करनी है और परफॉर्मेंस इन्हांस करनी है तो मुझे तो फिर ध्यान देना ही चाहिए ना मील टाइमिंग का, तो इसका आंसर है येस, पर फिर आपको उस हिसाब से ही पूरा सेंट्रिक थॉट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप फिर एक जनरल बंदे की तरह जी रहे हो, आपका फिर एक ही एम होगा, रिकवरी, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, मील टाइमिंग, ब्ला 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 शिट।
then you cannot live your social life, then you cannot think anything else apart from that. क्योंकि एक athlete, एक professional की mentality वो होती है, इसीलिए वो इन छोटे-छोटे parameters का भी, in fact ये बहुत बड़े parameters हैं, इनका भी ध्यान रखता है. General population को meal timing की कोई ज़रूरत नहीं है. Meal timing से हट के एक और चीज़ बता देता हूँ. For example, आपके meal plan में अगर मैंने 6 मील्स डाले हैं, ये मेरे क्लाइंट्स के लिए स्पेसिफिकली, तो अगर आप मेरे क्लाइंट और मैंने आपको फॉर एग्जांपल 5 से 6 मील्स डाले अपने प्लान में, एंड नाउ यू कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा मील कब खाऊं, प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, मैं आपको बता देता हूं, आप कोई भी मील कभी भी खा सकते हो. फॉर एग्जांपल कभी आप सुबह सुबह उठे एंड यू डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, एंड यू फील लाइक कि भाई मुझे आज फास्टेड रहना है, मेरा अभी कोई भूख नहीं है, खाने की, अगर मैंने खाया तो मुझे फालतू में हैवीनेस होगी, जस्ट स्किप दैट मील. व्हेन यू स्किप दैट मील, यू कैन कंबाइन दैट मील विद अनदर मील लेटर इन द डे. अगर आपने फॉर एग्जांपल मील 1 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप मील 2 के साथ कंबाइन कर सकते हो. इवन यू कैन इंटरचेंज मील्स. अगर आपने मील 5 की जगह मील 2 खा लिया, मील 2 की जगह मील 5 खा लिया, और मील 5 के साथ मील 1 को कंबाइन कर लिया. द बेसिक मोटिव इज कि पूरे 24 घंटे में आपको इतनी कैलोरीज खानी है जितनी मैंने हर मील के साथ मेंशन करी है, उनको टोटल करोगे आपके पूरे मील की कैलोरीज हैं, उतनी कैलोरीज आपको बॉडी में डालनी है, उतने मैक्रोज आपको बॉडी में डालने हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. उसके अलावा आपको किसी चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप एक प्रोफेशनल बंदे नहीं हो. सो दिस इज व्हाट इट इज गाइस. मील टाइमिंग इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज, इतनी कोई डरावनी चीज नहीं है. आई होप यू एंजॉय योर लाइफ एंड स्टे स्ट्रेस फ्री. जितना स्ट्रेस लोगे उतनी चीजें खराब होंगी. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस. मुझे बस ये टॉपिक क्लियर करना था. आई होप दिस क्लियर्स अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस. आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. बाय गाइस.